जय श्री राम, जय श्री गणेशाय नमः। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निरुहा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपया करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के रू सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपया करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामचरण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी, खर मतलब कठोर, मतलब एक खर जैसे राक्षस, एक मतलब कठोर के विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी खेद मतलब थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देवनंद जी की, गरुड़ जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गढ़ गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश होता है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित मतलब सच्चा हित करने वाले हैं, जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जब ही होता है, तदापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मैं उमापति शिव जी मुझ पर कृपया होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगलकारी मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारों के सहित चंद्रमा के समान रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे।